मेरा तो इस टाइम दिल कर रहा है मैं किसी गटर के अंदर डूब के मर जाऊं। मेरा तो इस टाइम दिल कर रहा है मैं किसी गटर के अंदर डूब के मर जाऊं। बाबर आजम, तुम ये मेरी बात शायद देख रहे होगे या सुन रहे होगे, तो वापस पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं है। विराट कोहली जो आपके अबू जान है, उनसे थोड़ी सी क्लासेस वगैरह लें, प्री क्लासेस लें उनसे, और फिर ताकि आप हमारी पाकिस्तानी टीम भी जीत सके, अदरवाइज तो कोई चक्कर नहीं है ऐसा। और वो सेलिब्रेशन क्या था? नहीं, वो मुझे पूछ रहा था कि इतना लंबा छक्का कैसे मारते हो, ये तेरा बैट में ये है। सुन ले बेटा, पाकिस्तान बाप है तेरा हिंदुस्तान। नाम और एड्रेस लिख दीजिए, इंडिया नहीं जीता ना तो मेरे घर पे आके हमसे 1000 रुपए ले जाइएगा। पाकिस्तानी कहता है गटर में डूब जाओ। मेरा तो इस टाइम दिल कर रहा है मैं किसी गटर के अंदर डूब के मर जाऊं। पटना का फैन कहता है 1000 ले जाओ। नाम और एड्रेस लिख दीजिए, इंडिया नहीं जीता ना तो मेरे घर पे आके हमसे 1000 रुपए ले जाइएगा। जी हाँ, ये बातें हो रही हैं। कल जब हमने पटना में सर्वे किया भारत पाकिस्तान के मैच के बारे में कि किसका पलड़ा भारी रहेगा, सबने कहा कि हम उनके बाप हैं, हम तो जीतेंगे ही। सुन ले बेटा, पाकिस्तान बाप है तेरा हिंदुस्तान। पाकिस्तान का इंडिया बाप है, हम जीतेंगे ही, उन्हें हारना ही पड़ेगा। और हुआ यही कि पाकिस्तान जो है वो 7 विकेट से हारा, और जैसे लगा कि बच्चों का ये मैच है, भारत जो है वो खेल खेल में उन्हें हरा कर 7 विकेट से वापस भेज दिया पेवेलियन से। जी हाँ, हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद का खचा खच भरा हुआ है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। और जब हार के बाद फिर से वो दृश्य हम दिखा दें, वो वीडियो आपको हम दिखा दें कि वहां की एक एंकर ने पाकिस्तान के फैन से पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि इन्हें तो गटर में डूब जाना चाहिए। मेरा तो इस टाइम दिल कर रहा है मैं किसी गटर के अंदर डूब के मर जाऊं। और वहीं सुन लीजिए फिर से, इन्हें तो गटर में डूब जाना चाहिए। मेरा तो इस टाइम दिल कर रहा है मैं किसी गटर के अंदर डूब के मर जाऊं। वहीं पटना के फैन ने कहा, हमारे साथ बहसा बहसी हुई, उन्होंने कहा हम तो बाप हैं, यदि हार जाए इंडिया ना तो मेरे घर का पता लिख लीजिए, 1000 रुपया लेकर जाइएगा। वो भी दृश्य दिखाते हैं। नाम और एड्रेस लिख दीजिए, इंडिया नहीं जीता ना तो मेरे घर पे आके हमसे 1000 रुपए ले जाइएगा। तो ये जुनून था भारतीयों के अंदर, भारतीय फैन के अंदर, और जिसका पूरा सम्मान जो है रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने निभाया। और वो सेलिब्रेशन क्या था? नहीं, वो मुझे पूछ रहा था कि इतना लंबा छक्का कैसे मारते हो, ये तेरा बैट में ये है कुछ है। मैंने बोला बैट नहीं भाई, पावर है। पूरा सम्मान जो है देश के लोगों की भावनाओं का भारत, पूरी भारतीय टीम ने दिया, और हम अंततोगत्वा 7 विकेट से पाकिस्तान को हराने में कामयाब रहे। सबसे बड़ी बात है कि दिवाली नज़दीक आ रही है, और भारतीय क्रिकेट टीम ने दशहरा और दीपावली की पाकिस्तान को हराकर जो गिफ्ट दिया है भारतीय फैन को, वो हमेशा भारतीय फैन याद रखेंगे। मैं मनोज चतुर्वेदी, पटना।